भारत माता की जय, हर हर महादेव। भारत माता की जय, हर हर महादेव। देखिए आज 14 जून है और आज हम सब सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस मांगते हुए, हमें एक साल हो गए और हम सब लोगों को दिखाने की, सरकार को, एजेंसीज को, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनसीबी हो, सबको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं परिमल जी, जो कि आज प्रेयर करने गए हैं, पूजा करने गए हैं, जस्टिस की मांग करने गए हैं। नाम बताइए परिमल जी। बिल्कुल, वो फिर से जुड़ेंगे और हमें बताएंगे कि वो कहाँ गए हैं, वो महादेव जी की पूजा करने गए। जगह है नाडियाड, शिव टेंपल है, काफी बड़ा है और उसमें जो शिव जी की मूर्ति है वो बहुत ऊंची है। यस। तो ये जो नाडियाड है परिमल जी, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? खेड़ा। खेड़ा, गुजरात। खेड़ा, हाँ बिल्कुल। चारोतर प्रदेश भी बोलते हैं और गांव का नाम ही खेड़ा है, तो खेड़ा में पड़ते हैं। आनंद, ये अमूल डेयरी शायद सुना होगा। बिल्कुल। तो हाँ, उसी में। और जो जिस शहर से मैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ प्लेस है। हाँ, तो उनका जन्म यहीं पे हुआ था। मैं एक्चुअली माइक सेट कर रहा था तो पता नहीं बैक हो गया, एक मिनट। कोई बात नहीं, तो लगी कि हम इनको फुल स्क्रीन पे ले लेते हैं, ये थोड़ा शहर भी दिखा देंगे जहाँ ये खड़े हैं। बिल्कुल परिमल जी। ओके, अब बैक कैसे आते हैं, मतलब एक मिनट। आपका हो गया, वो बैक तो हो गया है, अगर आप चाहें तो लैंडस्केप भी कर सकते हैं। एक मिनट। अच्छा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाथी वाथी सब दिख रहा है हमें। हमें दर्शन हो रहे हैं महादेव जी के। और मैं बोलूं, अगर आप चाहें तो कैमरा को लैंडस्केप भी ट्राई कर सकते हैं एक बार। ओके, ऐसे। हाँ बिल्कुल, अब हमें फुल स्क्रीन दिख रहा है और मैं समझ सकती हूँ कि हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, आकाश जी, कृति जी, मीनाक्षी जी, स्वप्ना, आप सबको देखिए। परिमल जी हमें आज इस मंदिर में ले आए हैं महादेव जी के दर्शन कराने। परिमल जी हमें बताइए इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर को करीब करीब 100 साल हो गए और हाँ, अभी कुछ बवाल हुआ था दो कम्युनिटी के बीच, मंदिर और मस्जिद ये सब करने के लिए। तो उस वक्त हम लोगों की जीत हुई थी कि भाई यहाँ पे मंदिर बनेगा। तब ये मूर्ति नहीं थी, मूर्ति एक्चुअली बाद में हुई। तो हमें परमिशन है क्या अंदर जाने की? हाँ हाँ, हम अंदर जा सकते हैं। मैंने परमिशन, थोड़ा गेट दिखा दीजिए परिमल जी, दर्शकों को गेट भी दिखा दीजिए। ये देखिए, बहुत सुंदर ये गेट। माई मंदिर कहते हैं और माई माता भी कहते हैं। एक मिनट में जरा थोड़ा सा पीछे आ जाओ, पूरा दिखा देता हूँ मैं। ब्यूटीफुल पूरा। हाँ, ये जो दिख रहा है ये वाला जी, यहाँ ऐसा पूरा ऊपर घूमते घूमते जा सकते हैं और पूरे देवी देवताओं के दर्शन है। अब मैं अंदर जाता हूँ। बिल्कुल, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल, आवाज बहुत क्लियर, अच्छी आवाज आ रही है। चलिए, हाँ परिमल जी। हाँ, तो आपने देखा कि परिमल जी हमें दिखा रहे हैं कि ऊपर तक घूमते हुए जा सकते हैं, ये तो बहुत ही अद्भुत मंदिर है जी। पहले हम शंकर भगवान के दर्शन कर ले। जैसा कि आप सबको पता है, सुशांत सिंह राजपूत भी शिव भक्त थे, महादेव के भक्त थे। जी जी। वो शिव जी की पूजा करते थे, वो शिव जी से, मतलब ही डिराइव्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम शिव। और तो आज हम सब जो इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, परिमल जी हमें वहां ले जा रहे हैं, परिमल जी पूजा कर रहे हैं, बट परिमल जी समझिए तो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम सब भगवान शिव से यही मांगेंगे कि कुछ तो अपडेट आए। बिल्कुल। देखिए ये जो है, ये जैसे कि बैली होते है, नाभि, शंकर भगवान की जो नाभि है उसमें ये बना हुआ है। और ये देखिए मूर्ति, वो कितनी सुंदर मूर्ति है और कितनी विशाल, कितनी सुंदर, काफी बड़ी। एक मिनट में ये देखिए त्रिशूला, आप तीनों। परिमल जी थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा दूर से ले लूंगा तो हम थोड़ा
पहले यहाँ पे दर्शन कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। बारह ज्योतिर्लिंग है, पार्वती माता और मायमन। जी जी परिमल जी, जरा दिखाइए, जरा दिखाइए, बहुत सुंदर मंदिर है परिमल जी। जी जी बिल्कुल, और बहुत ही अद्भुत, जैसा उन्होंने कहा कि ये उनकी, समझिए तो एक तरह से स्टैच्यू में ये उनकी नाभि है जिसके अंदर हाँ, ये बना हुआ है। तो गुजरात के दर्शन हो गए, थैंक यू परिमल जी। नीतू नानी को जुड़ी हुई हैं ऑडियंस में, कह रही हैं हर हर महादेव। मंजीत पदम जी हैं, वो कह रहे हैं आज सब कहाँ हैं, बीजेपी करली सेना, शेखर सुमन, राणे जी, अर्णब सर, सबने सुशांत के नाम पे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यशोदा मोहन जी जुड़ी हुई है, कह रही है हर हर महादेव, गिव जस्टिस टू आवर प्योर सोल, सुशांत सिंह राजपूत। अच्छा, ये उस मूर्ति के नीचे है परिमल जी, उसी मूर्ति में है ये? हाँ, अंदर है, मूर्ति के अंदर ये बना हुआ जी। अब हम एक मिनट जरा में हम परिक्रमा कर ले और फिर हम ऊपर जाते हैं। यहाँ पे ऐसा ये पूरा बना हुआ है, शायद आप देख पा रहे हो। आपकी फिंगर आ रही है कैमरे पे। हाँ, थोड़ा ऊपर कीजिए। जी जी, वेरी नाइस। हम मंदिर के अंदर चलते हैं। मैंने महाराज को बोला है पूजा का, तो जैसे ही वो फ्री पढ़ते हैं तो हम पूजा भी करेंगे। ओके बिल्कुल, जैसा कि आप देखिए हमें दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हवन वगैरह होते हैं, जब समझ लीजिए शिवरात्रि है या कोई ऐसा बड़ा दिन है तो तब ये होता है। और आज मंडे है, एक बार मैं फिर से दिखा दूँ तो जिन जिन के दर्शन बाकी है वो हो जाए। बिल्कुल, अंशिका जी, बनीता जी, रेमो जी, रेखा जुड़ी हुई है, रूपा जुड़ी हुई है। देखिए आज सोमवार है, आज 14 जून है और परिमल जी हमें ये महादेव जी की मूर्ति के दर्शन करा रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत मूर्ति है, बहुत ही विशाल का है। आप समझ सकते हैं कि एक तरह से हमें याद दिलाने के लिए कि हम सब, मतलब जो ये सुप्रीम पावर है, जो ये सुप्रीम पावर, यस, भले ही नेचर को माने, स्पिरिचुअल माने, जो भी माने, उसके सामने हमारी क्या मतलब हस्ती है। सुशांत सिंह राजपूत भी हमेशा कहते थे, वो टेलीस्कोप से देखते थे, स्टार्स देखते थे, यूनिवर्स में जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, मेट्रोज हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, तो कहते थे कि ये देखने से हमें ये भी समझ में आता है कि हम इस पूरे यूनिवर्स में, समझो अर्थ कितना छोटा सा एक डॉट है और हम उस डॉट पर रहते हैं। तो जो लोग, जिन लोगों को अहंकार हो जाता है, जो लोग ये समझने लगते हैं कि भाई मैं ही बहुत कुछ कर रहा हूँ और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं इन सबसे ऊपर हूँ, उन सबको याद दिलाने के लिए एक बार फिर से परिमल जी पूरी मूर्ति दिखा रहे हैं हमें कि देखिए आप समझिए ऑफिशियली। बिल्कुल, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए परिमल जी, आप क्या कह रहे हैं? ऑफिशियली हमें आज पता चला था सुशांत जी के बारे में, लेकिन जैसा कि हम मानते हैं कि मेरा भी मानना है और पल जी भी हमेशा 13 तारीख को ही जाती है, तो हम सब यही मानते कि 13 की नाइट को ही 100% कुछ हुआ है, या तो फिर 14 जून को सुबह में हुआ है। बिल्कुल तो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, शायद थोड़ा सा अंधेरा है। बिल्कुल, भगवान के घर पे कोई अंधेर नहीं है, हमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है, आप चिंता नहीं कीजिए परिमल जी। हम सब आपके आभारी हैं कि आज आप हमें दर्शन कराने ले आए। ये किनकी मूर्ति है? ये जिन्होंने स्थापना की थी, जो सबसे पहले थे, थ्रोन कहते हैं जिनको, मेन बाबा। ओके, और ये देखिए इन लोगों ने फेसबुक पे भी रखा हुआ है, तो अगर किसी को लाइव आरती अगर करनी देखनी है
वो भी देख सकते हैं, ये वाला शायद दिख रहा है स्क्रीन पे। बिल्कुल, श्री माई मंदिर आप सब देख सकते हैं, फेसबुक पर भी इनका पेज है, और आप अगर आपको दर्शन करने हैं या लाइव आरती देखनी है। थैंकफुल टू यू, आपने इतनी पुरानी और सुंदर मंदिर के दर्शन करवाए। कोई बात नहीं, बहुत सुंदर है भाई। ये केशव भवानी है, इससे भी पहले थे, तो हम जरा ये उनके चरण स्पर्श। ओके, हम सबको आशीर्वाद मिले, आपको भी परिमल जी और हम सबको, हम सब उनके चरण स्पर्श करते हैं कि हम सबको इस मूवमेंट में बने रहने की हिम्मत मिले। हम सब परिमल जी थोड़ा धीरे 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 धीरे। ओके ओके, ये है सबसे मेन माई माता जी से कहते हैं, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि पार्वती माता का ही ये है, जय माई शक्ति, शक्ति विद्यापीठ जैसे बोलते ना, मेन जो पावर वुमन पावर, उसका ये प्रतीक है जो बीच में जो माता जी है, तो उनको माई माता ऐसा कहा गया है, तो मैं रखता हूँ ऐसे। बिल्कुल, हम उनके चरण स्पर्श कर ले, एक मिनट में जरा पढ़ के। मंगल मांगल्य गलिये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। ये ज्योत के दर्शन है, और वहाँ पे जो ज्योत है वो अखंड ज्योत है जो उनके पास है जी, वो जी। काफी सालों से ऐसी ही है। एक मिनट में जरा पढ़ दूँ, जो बीच में मूर्ति वो जय माई है, लेफ्ट में है वो जय काली है, और राइट में है वो है जय बाला। ओके, और ये बीच में ऐसा एक मत है, यंत्र है, यंत्र है ये एक, यहाँ पे उन्होंने कहा मुझे, अच्छा श्री यंत्र, श्री यंत्र है ऋचा जी, ये और ये है चरण स्पर्श। आप सब भी कर लीजिए चरण, मैंने चरण बिल्कुल, मैंने तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया परिमल जी। हाँ, इसका ले लिया, ये जो है ना, सबका, अभी मुझे सबका, मैं सबका ले रही हूँ, सबका ले रही हूँ। ओके, हाँ, ओके ओके, इसीलिए आपको धीरे धीरे बोला चलना। हाँ, लवली जी, रूपल जी जुड़ी है क्या अभी है? हाँ, रूपल जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। क्या मुझे, हेलो, हाँ माता जी के चरण थे वो, हाँ माता जी ने, माता जी ने, बिल्कुल। अभी मैं थोड़ा जो बैकयार्ड है वहाँ, इको आ रहा है शायद से, ये आई डोंट थिंक दिखेगा, यहाँ पे एक छत्रपति शिवाजी महाराज का लगा हुआ है, और तुलजा भवानी हल्का दिख रहा है, हल्का दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल, अब हम देख पा रहे हैं बिल्कुल। हाँ, और उनको माँ, उनको देवी आशीर्वाद दे रही हैं। हाँ, यस, बिल्कुल, बहुत सुंदर। हम लोग पहले कॉलेज से छुप के यहीं पे आते थे, ये है पूरा मंदिर, बहुत सुंदर है यार। हाँ, ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, ये पूरा यहाँ पे पटांगन बोलते हैं, ये जो बना है ना यहाँ पे, मतलब ये तो अभी कोविड की वजह से ऐसा है, नहीं तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ होती है। तो ये देखिए, ये पार्वती माता का है मूर्ति, अरे वाह, अरे वाह, ये सब, हाँ यहाँ पे सब लोग ऐसे खड़े रहते हैं आरती लेके। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे है। ओ, ये कितना सुंदर मंदिर है। हाँ, यहाँ से फिर से मूर्ति दिखेगी पीछे से, एक बार मैं फिर से दिखा दूँ, फिर हम लोग ऊपर चलते हैं। बिल्कुल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू।
महादेव शंभु शिव 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 शंभु। परिमल जी, परिमल जी एक बार फिर से बताइए, बताइए हमारे ऑडियंस पूछ रहे हैं वेयर इज दिस प्लेस, कि कहां पर है ये जगह, तो एक बार फिर से बता दीजिए। ये प्लेस नडियाद में है, माई मंदिर करके, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बिल्कुल गुजरात में, गुजरात में, यस, नडियाद में और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो बता रहे हैं। जी जी हाँ, और मंदिर का नाम है माई मंदिर और माई माता भी कहते हैं। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने दिखाया था कि आप फेसबुक पर भी सर्च करेंगे श्री माई मंदिर तो आपको मिल जाएगा, आप वहां पर आरती वगैरह में लाइव ज्वाइन कर सकते हो। और ये देखिए, ये ऊपर आए हैं परिमल जी सीढ़ियां चढ़ के, और ये ऊपर का दिखा रहे हैं, ऊपर किन किन की मूर्तियां हैं दिखाइए। हाँ, धीरे धीरे एक, एक, एक। जी जी ये आराम से ही कर रहा हूँ, शायद से इको आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली ये नाम क्या लिखा है ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से, राजा लिखा हुआ है। मिट गया, ये मिट गया। हाँ मिट गया है, और यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे भी मिटा, स्मराजा या स्मरण ऐसा कुछ तो लिखा है। और ये जो लवली जी हम देख रहे हैं ये सभी देवी देवताओं का है, जितने भी हमारे हिंदू देवी देवता है। आई होप सो एकदम ऊपर तक जाया जाए, मैं तो चाहूंगा कि, क्योंकि मैंने नीचे पूछा तो शायद उन्होंने कहा कि मे बी। परिमल जी थोड़ा धीरे धीरे जाइए, धीरे जाइए, ब्लर हो रहा है। हाँ 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 अभी दिख रहा है। हाँ धीरे धीरे जाइए, एकदम धीरे धीरे, ब्लर हो रहा है। हाँ हाँ मैं स्टेडी हूँ अभी, मतलब अभी मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। ये है भुवनेश्वरी माँ जो बीच में बैठे हैं, माँ भुवनेश्वरी की जय जय जय। ये ब्रह्मा भगवान है, विष्णु और महेश राइट साइड, हमारे राइट साइड जी। यहाँ पे पार्वती माता, लक्ष्मी माँ और सरस्वती, लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती होंगे। मैंने पिक ले लिया परिमल जी। अच्छा ले लिया, ओके। प्रियंका जैन कह रही है कितना सुंदर मंदिर है। सरिता भारद्वाज बसवाराज कह रही है ब्लेस्ड टू सी सच ब्यूटीफुल शिव पार्वती टेम्पल, जस्टिस फॉर सुशांत। ये सूर्य भगवान नहीं, मैं बताऊं एक चीज, हम नास्तिकों को सुशांत ने भगवान की ओर, इंद्र है क्या, इंद्र है क्या, यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली इंद्र है, अरे हाथ में ब्रह्मास्त्र है, ये देखिए इंद्रदेव की जय। मैं ये कह रही हूँ कि हम नास्तिकों को सुशांत ने भगवान का रुख करवा दिया, मतलब मेरी जैसी लड़की जो कभी मंदिर नहीं जाती थी मतलब क्या बोलू अभी। बिल्कुल, अरुणा श्रॉफ जी भी कमेंट सेक्शन में कह रही है थैंक्स टू आवर एसएसआर, बिकॉज ऑफ हिम वी आर हियर ऑल टुगेदर, हम सब साथ में यहाँ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, परिमल जी हमें दर्शन करा रहे हैं। बिल्कुल अरुणा जी, थैंक यू, हमेशा हम एक दूसरे का भी आभार व्यक्त करते हैं, परिमल जी का भी और सुशांत सिंह राजपूत को तो थैंक हमें करना ही चाहिए, जान दे करके भी वो हमें यूनाइटेड करके गए हैं। बिल्कुल, एक्चुअली थैंकफुल तो मुझे भी कहना चाहिए क्योंकि आप सब जुड़े और एक प्लेटफॉर्म है और ये है दिया, इसलिए बिल्कुल। ये संतोषी माँ है जी, धीरे धीरे जा, अब लड़ने हो रहा है ना, मैं बोलूं मदद करो संतोषी माता, अच्छा जी मदद करो संतोषी माता। ये है नौ ऋषि हैं ये, या इनके बारे में कुछ बता सकते हैं परिमल जी? नवनाथ, थोड़ा स्टडी रखिए परिमल जी, थोड़ा स्टडी, ओके ओके स्टडी जी लिया। हम्म, ये हमारे
श्री राम सीता जी और लक्ष्मण। जय श्री राम। उस साइड से उजाला है तो शायद यहाँ पे तो एक मिनट तो ब्रह्मदेव लग रहे हैं। नहीं, दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मदेव नहीं। श्री राम जी के दर्शन हुए तो हाँ दत्तात्रेय। हाँ दत्तात्रेय जी। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय धारण नव कंज लोचन कंज कज कर कंज कज कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु। ये तो ऑब्वियसली लक्ष्मी नारायण विष्णु। यस मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ तो अच्छे से दिखेगा जी। नाइस। इस मंदिर की मूर्तियां भी लवली जी काफी खूबसूरत हैं। जी जी बहुत साल हुए इनको। ये गायत्री माता बिल्कुल ऋचा जी मैं भी देख रही हूँ और जितना भी परिमल जी को हम धन्यवाद बोले कम ही है क्योंकि बहुत आप वही रुकिए परिमल जी। अरे परिमल जी रुकिए। ओम भूर्भुवस्व बोलिए। ओम भूर्भुवस्व स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे गायत्री माँ। ये नारायण नारायण नारद मुनि ये हैं हमारे कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग का नारायण 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 नारायण। ये तो समझ जाएगा देख के। बिल्कुल बालाजी बालाजी तिरुपति बालाजी तिरुपति बालाजी। अब हम आगे चलते हैं ऊपर और तब तक कमेंट ले लीजिए लवली जी। बिल्कुल बिल्कुल मैं कमेंट भी लेती हूँ और तब तक मैं सोच रही थी थोड़ा स्क्रीन शेयर करके। लवली जी आप अगर चाहें तो लिंक शेयर कर सकते हैं। हाँ हाँ चलेगा लिंक शेयर कर दीजिए। हाँ मेरे लिए एक जगह छोड़ देना प्लीज मैं कभी भी पहुंच सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये जो आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ ये कोमल जी हैं और ये देविका हैं। इन्होंने कनाडा में जो हवन किया है मेरे पास अभी इसका वीडियो नहीं है बट इन्होंने पिक्चर्स शेयर किए हैं तो मैं आप सबसे ये पिक्चर्स शेयर कर देती हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस के लिए इन्होंने वहां पे हवन कराया था मंदिर में और मैं आप सबसे ये पिक्चर्स देखिए शेयर कर देती हूँ। इसमें कोमल है देविका है आप सब देख सकते हैं और आप सबने मेरे ख्याल से फेसबुक हमारे फेसबुक एसएसआर वॉरियर पेज पर है भी ये तो आप कभी भी जा करके देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने लाइव भी किया था। तो ये देखिए ये कनाडा में है टोरंटो में ये मंदिर है और उन्होंने मंदिर में हवन कराया था सुशांत सिंह राजपूत के लिए। ओके। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग हमें कितना भी हमें जुडिशरी कितना भी परेशान कर ले ये अदालत हमें न्याय दे न दे हम ऊपर की अदालत से न्याय लेंगे भाई। हम ऊपर की अदालत से ऐसा न्याय मांगेंगे कि इनको न्याय देना पड़ेगा नहीं अगर कुछ भी नहीं हुआ ना तो पूरे ब्रह्मांड को हिला देंगे और त्राहिमाम कर देंगे सारे भगवानों को ऐसा जगाएंगे। हाँ सारे भगवानों को ऐसा जगाएंगे कि वो हमेशा याद रखेंगे कि अगर पब्लिक अपने पे आ गई ना तो इन्हें न्याय देना ही पड़ेगा क्योंकि आज ही कल ही किसी ने कहा था लवली जी के उस पे कि अब जनता ही इंसाफ करेगी और जनता का जस्टिस सबसे बड़ा जस्टिस होगा इनके लिए। कोई जस्टिस मायने नहीं रखता लेकिन जनता का जस्टिस सबसे बड़ा जस्टिस होगा। अब ये लोग नहीं बचेंगे हम अपनी ऊपर की अदालत से न्याय मांगेंगे अगर हमें ये अदालत न्याय नहीं देगी तो हम छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को। बिल्कुल मैं आपको एक प्राइज भेजती हूँ लवली जी। जी आ रही है परिमल जी दिखाइए लवली जी मैं आपको एक इनबॉक्स करती हूँ सरप्राइज। ओके श्योर श्योर रूपल भेजिए। ओके मैं एक और स्टेप ऊपर आ गया हूँ।
ओके आप हमें जब बैक कैमरा कीजिएगा तो लैंडस्केप में करके दिखा सकते हैं, तब हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। ये अन्नपूर्णा माँ है जिसे हम इससे उजाला आ रहा है, इसलिए एक मिनट। हमें दिख रहा है परिमल जी, हमें हम देख सकते हैं। और देखिए हमारी अगर हम बात करें अपनी अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति की, तो हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम जंगल पेड़ की पूजा करते हैं, हम अन्न अनाज भी हमने अन्नपूर्णा माँ का नाम दिया है, हम उनकी पूजा करते हैं। तो हर ये वाला बिल्कुल ये बहुत ही डिफरेंट है। ये क्या है, कोई कह सकता है क्या? क्योंकि एक्चुअली मैं मतलब देखिए ये ब्रह्मा जी है, ये विष्णु भगवान है, और ये कुछ प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे हाफ पार्वती जी और शंकर भगवान, हाँ महादेव है, मतलब अंदर तो मैं ज्यादा जाने तो इनको कहेंगे अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर नीचे बैठता हूँ मैं, पीछे भी दो लोग हैं लेकिन उनके नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा। पीछे शंकर ही है, पीछे शिव शंभू है एक तरफ। अच्छा ओके ओके, नीचे नीचे पीछे देखिए। अच्छा, ये तो हाँ, ये सोचिए पूरी कहानी इसमें छिपी हुई है, इन लोगों ने अपने सर पे ये भार का भी कुछ मतलब है। बिल्कुल यस, अरे हाँ स्टार स्टार, यस यस हाँ स्टार स्टार। अरे आपको पता है पांच तत्व जल वायु अग्नि और क्या होता है, पंच तत्व होता है ना, जल वायु आकाश धरती हाँ जल वायु अग्नि आकाश धरती, उसका जो पंच तत्व होता है वो स्टार में होता है, स्टार बनाते हैं हमेशा। अच्छा अच्छा ओके क्लियर रिचा जी। हाँ 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 रुकिए रुकिए रुकिए, ऊपर ऊपर दिखाइए, ऊपर दिखाइए थोड़ा सा परिमल जी, एक मिनट मैं थोड़ा नजदीक जाता हूँ, बस हाँ ऊपर ऊपर थोड़ा ऊपर बस रुकिए रुकिए, ले लिया ले लिया। ओके ये है, ये है प्रहलाद। अच्छा ये देखिए क्या है, प्रहलाद भक्त प्रहलाद अवतार लिखा हुआ है, बट अवतार मुझे हाँ नहीं ये प्रहलाद है। अच्छा नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार रुके दिखाइए। तो ये हाँ ये जो है ये प्रहलाद है, हाँ ये प्रहलाद है, और ये जो है नरसिंह अवतार, हाँ ये विष्णु के नरसिंह अवतार है, और बगल में पार ये लक्ष्मी जी बैठी हैं, और इन्होंने ही हिरण्यकश्यप से प्रह्लाद की रक्षा की थी। यहाँ से मेरे ख्याल से अच्छा दिख रहा है, हाँ ले लिया मैंने। और रेशमा जी कमेंट सेक्शन में कह रही हैं अर्थ फायर स्काई एयर वाटर आवर बॉडी इज मेड ऑफ फाइव एलिमेंट्स, बिल्कुल रेशमा जी, और इसी पंच तत्व में। हाँ आपको जो मैंने सरप्राइज भेजा है वो दिखाइए, बिल्कुल मैं चेक करती हूँ रिचा। जब तक परिमल जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग एक सरप्राइज देख रहे हैं। ये सन क्या लिखा है, सनातन लक्ष्मी, ये वाला धीरे धीरे परिमल जी धीरे धीरे, हाँ धीरे ये धनलक्ष्मी है, ये जो अभी स्क्रीन पे है। ओके ओके इन दोनों का एक साथ कर लेते हैं, दोनों देवियों का। ओके हो गया। इनका नाम है धान्य लक्ष्मी, इनका नाम बिल्कुल। कामिनी देसाई कह रही है परिमल जी थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल दर्शन फ्रॉम माय मंदिर नडियाड गुजरात,
कोई बात नहीं, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी वो पहले वाले थे, बिल्कुल सिद्धार्थ जी ठीक कह रहे हैं। तो तब तक एक मिनट ऋचा, तब फिर जब परिमल जी दूसरे फ्लोर पे सीढ़ियों पे जाने लगेंगे तो मैं ऋचा जी ने जो न्यूज शेयर किया है मैं शेयर। जी जी बिल्कुल। ये शुभ लक्ष्मी, यानी कि यहाँ पे सब लक्ष्मी माता जी के अलग अलग जो अलग अलग रूप है, हाँ जी हाँ, इन दोनों का एक साथ ले लेते हैं। हाँ हाँ रुकिए रुकिए, एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ जी। एक आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि लक्ष्मी जी और शनि भगवान में एक बार स्पर्धा हुई थी। स्पर्धा मतलब बोला गया था कि किसकी किसकी मतलब ज्यादा ये डिमांड है, सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज करूँ मुझे आता नहीं, मतलब किसके हाँ किसके ज्यादा ये। तो वो ना एक अपनी ऐसे इंसान के पास गए जो दोनों की पूजा करती थी, एक भक्त के पास जो दोनों की पूजा करती थी। तो शनि भगवान ने बोला कि मैं इसकी परीक्षा लूंगा कि लक्ष्मी माता की इतनी पूजा करती है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। तो शनि भगवान ने बोला कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है। तो वो भक्त इतनी होशियार थी कि लक्ष्मी माता आते हुए अच्छी लगती है, शनि भगवान जाते हुए बहुत अच्छे लगते वो कहती है कि आप जरा चल के दिखाइए। हाँ वो लक्ष्मी माता को बोलती है कि आप चल के दिखाइए और शनि भगवान को बोलती है कि आप चल के दिखाइए। तो वो बोलती है कि जब जब आप जब लक्ष्मी जी आती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं क्योंकि वो स्त्री हैं, और जब पुरुष जाते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं क्योंकि वो पुरुष है, उनकी उनकी मतलब आत्मनिर्भरता दिखती है जाते हुए। तो शनि भगवान बोलते है वाह क्या बात है, क्योंकि शनि की साढ़े साथी तो आते हुए किसी को अच्छी नहीं लगती लेकिन साढ़े साथी जाते हुए सबको अच्छी लगती है, और उसके बाद जब लक्ष्मी का आगमन होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये फिर से हाँ ऊपर से मैं फिर से यंत्र का दर्शन करवा रहा हूँ, एक सेकंड आप वैसे ही रखिए। हाँ जी यंत्र है वो, एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था, उन्होंने बताया। लवली जी बिल्कुल हाँ ऋचा बोलिए। उड़ती उड़ती खबर कहाँ तक पहुँच गई है आप मैसेज में देखिए जरा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ मैं शेयर करती हूँ। तो ऋचा जी ने ये खबर शेयर किया दैनिक भास्कर पटना में 14 जून का ये अखबार है, आज का ये अखबार है कि सुसाइड नहीं वह मर्डर था, कोई मुंह खोले ना खोले पर हम चुप नहीं रहेंगे, सुशांत को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही तीन महिलाएं। पिछले साल जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी 14 जून की सुबह मुंबई से आई एक खबर ने बिहार को झकझोर दिया था। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की लाश मुंबई में बांद्रा स्थित माउंट ब्लैंक डुप्लेक्स फ्लैट में मिली थी। सुशांत की मौत के एक साल बाद जहां एक तरफ इसे भुलाया जा रहा है वहीं तीन महिलाएं इसे बेदर्दी से हत्या बताकर जांच को जिंदा रखने पर तुली हैं। दैनिक भास्कर की टीम ने इनसे बात की तो तीनों ने एक स्वर में कहा सुशांत ने सुसाइड नहीं किया वह मर्डर था, वह मुंबई में सभी को पता है। पटना की लवली चौबे अरसे से कैलिफोर्निया में रह रही हैं, खुद कैंसर सर्वाइवर हैं, वह वर्चुअल मोड में एसएसआर वॉरियर्स टीम को हैंडल करती हैं। मराठी मूल की एक्ट्रेस रूपल नागड़ा पिछले साल 13 जुलाई से हर महीने पोस्टर के साथ माउंट ब्लैंक सोसाइटी के सामने प्रदर्शन कर रही हैं। कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर ऋचा वर्मा ने बॉलीवुड एक्टर्स के विज्ञापनों के बहिष्कार की मुहिम भी चलाई और सुशांत के खिलाफ नजर आए कलाकारों निर्माताओं निर्देशकों की फिल्मों का बहिष्कार भी हर माध्यम से किया। ऋचा वर्मा ने इस मुहिम के तहत फ्रैंकली बॉलीवुड किताब लिखकर फिल्मी दुनिया के काले सच को उजागर किया है। वह कहती हैं सुशांत दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे, वह साजिश के तहत हत्या कर इसे सुसाइड करार दिया जा रहा है ताकि मौत के बाद भी नकारात्मक छवि बने। बिल्कुल सही है। तो और हम सब एसएसआर वॉरियर्स फैमिली को बहुत शुभकामनाएं। जिनको आपको याद है रूपल एक जितेंद्र जी आए थे हमारे लाइव, वो हमारा टेस्ट लेने आए थे एक्चुअली, मुझे नहीं पता था। और पता है वो हमारी बातों से उस दिन के लाइव के बातों से उन्होंने ये फ्रेम कर लिया। वो टेस्ट लेने आए थे।
नहीं पता था, मुझे लग रहा है ऑल इज वेलकम। नहीं वो अचानक से आए तो मैं भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गई कि कोई पत्रकार, थोड़ा सा मतलब हाँ थोड़ा सा इधर उधर है हल्का फुल्का जैसे, तो उनको लगा होगा कि आप, हमने लिखा है ना नाम के नीचे रूपल नागड़ा मुंबई ये वो, तो उनको लगा होगा कि आप मराठी एक्ट्रेस हैं ऐसा करके। हाँ हाँ तो क्या हो गया, अरे मराठी मुलगी जाए नहीं काय करे, मुंबई मध्ये रहते महाराष्ट्र मध्ये गर्व से शिवाजी महाराज की धरती पे रहते हैं, मराठी मुलगी तो काय जाए नहीं तो क्या हो गया, मैं तो मराठी क्या हो गया। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई एक्नॉलेज करता है तो जरूर अच्छा लगता है। परिमल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमें मंदिर के दर्शन कराने ले आए। तब तक मैं, आज आपको पता ही है कि हमारे यहाँ तो अभी 13 जून है, अभी रात के 10 बज रहे हैं। आज हम लोग सैन फ्रांसिस्को सिटी हॉल गए थे तो मैं वहां के कुछ वीडियोस शेयर कर देती हूँ अभी हमारे साथ जो भी जुड़े हैं। और ऐसे हमारे जी, आप वीडियो शेयर कीजिए, मैं आपको पहुंचते ही ज्वाइन करती हूँ। जरूर रूपल जरूर। तो ये सरप्राइज था आज, मुझे सुबह सुबह मैसेजेस आ रहे थे, पेपर के लोग कटिंग भेज रहे हैं। तो आप लोग काफी सर्कल वर्कल घूमे थे क्या रवि जी? Cada cual piedra rodando se encuentra. Cada cual algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada más lo que no hiciera yo. Cada cual. बिल्कुल ऋचा जी, जैसा कि मैं आपको, परिमल जी फिर से जुड़े हैं हमारे साथ। और आप कह रही थी परिमल जी, ये शिव शंभू किस इसमें लेटे हुए हैं जरा वो दिखा देंगे? हाँ हाँ पीछे ये मैं ऊपर तक आ गया हूँ, ये जो हमने नीचे से देखा था। एक सेकंड परिमल जी, एक सेकंड, लैंडस्केप कर, लैंडस्केप कर लो। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ वेरी नाइस दिखाई दे। एक्चुअली मैं धूप में हूँ तो मुझे स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा है। अभी परिमल जी हम बताएंगे आपको, बहुत अच्छा बिल्कुल अभी परफेक्ट है। ओके तो ये मैं सबसे ऊपर आया हूँ जी, यहाँ पे भी है लेकिन ये जो है ये बंद किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से हाँ तो हम शंकर भगवान को एकदम करीब से देखेंगे अभी यहाँ पे जो बड़ी मूर्ति है। तो ये है मेरे ख्याल से काली माता। काली माँ हाँ। और ऊपर कैमरा ऊपर कीजिए परिमल जी, ऊपर। एक मिनट मैं समझ रही हूँ आपकी परेशानी, आंखों में बहुत तेज रोशनी पड़ती है और कैमरे से कुछ भी नहीं दिखता। हाँ, अभी लैंडस्केप दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल, देखिए हम सब, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हम सब कोई रिपोर्टर तो है नहीं, बट हम सब यही करते करते कोई मीडिया न्यूज तो कवर करती नहीं है, तो आज हम भी जब वहाँ प्रोटेस्ट करने गए थे यही मुश्किलें हमारे सामने आती हैं, लेकिन हमारे जो भी दर्शक भी जुड़े हुए हैं वो भी समझते हैं हमारी परेशानी। बिल्कुल मैं थोड़ा वो रिपब्लिक के जो विकास शर्मा जो लेट रिपोर्टर थे जी, उनकी थोड़ी मैं एक्सटेंड करके दिखाऊंगा अगर पॉसिबल होगा। ओके जरूर, ऐसा करते थे वैसे करके, ऐसे ऐसे दो उंगलियों से ऐसे करते। ओके टैबलेट में पीठानी
ये है जगदम्बा विराट दर्शन। एक मिनट और नजदीक जाता हूँ तो शायद दिखे। हाँ अभी क्लियर दिख रहा है शायद। जी जी ले लिया मैंने पिक। हाँ नीतू जी ने कमेंट किया है, थैंक यू नीतू जी। और ये है मेरे ख्याल से ऋचा जी नटराज, अगर मैं जी सही हूँ तो। बिल्कुल बिल्कुल। ये कितनी सुंदर मूर्ति है, ये अलग तरह का नटराज है, ऐसा हमने नहीं देखा। एक्चुअली हाँ, ऐसा ऐसा नहीं देखा है। उनके पैर के नीचे भी कोई है। ये मेरे ख्याल से कोई तो दानव का कोई राक्षस होगा शायद, जिनके ऊपर हाँ। इन्होंने तांडव किया होगा, ये भी तो हो सकता है। तांडव किया होगा, ये मैंने कभी कभी यूट्यूब पे मुझे एक वीडियो हमेशा सजेस्ट हुआ होता है, तो उसमें ना नंदी को मार देते तारकासुर मेरे ख्याल से। तो वो हाँ वो बहुत ही खतरनाक सीन है, वो एकदम शिव शंभु एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं पूरा स्वर्ग लोक ही सर्वनाश हो जाएगा, काफी गुस्से में होते हो। अभी यहाँ से हम देखेंगे थर्ड आई दिख रहा है। ओह यस वाओ, थोड़ा सा और आप राइट कीजिए। राइट करूं ऐसे? थोड़ा सा नहीं दिख रहा, एक सेकंड। एक मिनट हाँ हाँ यहाँ से करता हूँ। हाँ उधर से, हाँ उधर से, यस यस। आप अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और आप देख सकते हैं कि कितनी अद्भुत, कितनी बड़ी, कितनी विशाल मूर्ति है, क्योंकि आप देख सकते हैं बाकी बिल्डिंग्स, बाकी नीचे की गाड़ियां, इन सब के कंपैरिजन में ये मूर्ति कितनी बड़ी है। बिल्कुल मैं मेरा घर दिखा दूं शायद, अभी देखो वो जो बिल्डिंग है ना वो ये ग्रीन कलर का, उसकी वजह से मेरा घर नहीं दिख रहा है। नहीं हाँ उसकी वजह से उस साइड है तो हाँ, तो ये वाला जो सबसे ऊपर ध्वजा वो हमारे टेरेस से दिखती है, बट यहाँ से दिखेगा नहीं, काफी दूर है। बट हम समझ गए कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आप कभी भी अपनी खिड़की से महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। हाँ जी जी बहुत लकी हैं आप परिमल जी। जी जी नीतू नानी भी कह रही है वाओ, धनंजय कुमार जी कह रहे हैं नटराज हैं। आप छाव में आ जाइए परिमल जी, आंखें चौंधी आ गई होंगी। हाँ हाँ थोड़ी देर ये ऐसी फीलिंग लवली हम सबके साथ हो चुकी है, कल आपके साथ हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल ये जो है ये वाला ये धूप में ना ये जो दिख रहा है ये मुंबई अहमदाबाद ट्रेन का है, तो अगर मुंबई से अहमदाबाद कोई आ रहा है तो ये मूर्ति एकदम क्लियर दिखती है। ये देखिए यहाँ से हाँ, यानी कि अगर समझ लीजिए आपने आणंद नगर छोड़ दिया रेलवे स्टेशन, तो 15 मिनट के बाद यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो ये दर्शन होते हैं सीधे ट्रेन से, ऐसा उन लोगों ने बनाया है। कि चलिए आते जाते लोगों को दर्शन हो जाएं, सही हाँ। के बहुत अच्छी सोच है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा ये देख के। अरिन्या जी कह रही है अमेजिंग, थैंक यू परिमल जी फॉर माँ डिवाइन दर्शन। आज सब कमेंट्स में आपको थैंक यू कह रहे हैं परिमल जी, सभी का बहुत बहुत आभार, थैंक यू। और ये मेरा प्रिविलेज है, मेरा आई एम वेरी फॉर्चून के अब सब मेरे साथ है, हम सब फैमिली है। जुड़ी हुई है वो कह रही है नाडियाड साक्षर नगर। जी जी इसका नाम पहले नटपुर था। ओके और हाँ और अहमदाबाद का कर्णवती था, ये इनका नाम मुझे नहीं पता, हनुमान दादा है और अलग अलग उनके फेस है। और ये गणपति शायद कोई बता सके तो, दिख रहा है ना? वाओ एक सेकेंड हाँ हाँ। जब छोटे थे तभी यहाँ पे है ना काफी, वो जो मधपुड़ा रहता है वो बहुत बड़े बड़े रहते थे, अभी नहीं है, बहुत डरते थे हम लोग तभी।
रेशमा जी यहाँ पर एक कहानी बता रही है कि रिचा दैट नटराज शिवाज फुट इज ऑन अ क्रीचर नेम्ड अपस्मार ही इज एन ओब्लिवियन ही इज कन्वेड विद अम्नीशिया देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड हिम ही इज इमॉर्टल माता पार्वती हैड गिवन हिम अ बून मतलब माता पार्वती ने शायद उसको कोई वरदान दिया था इसके चलते वो अमर है तो भगवान इसीलिए उसको कुछ तो सजा दे रहे होंगे ये वाला ना या हाँ इसी के बारे में बोल रही ओके अभी मैं जोड़ता हूँ थोड़ी देर में तो एक मिनट मैं जरा कैमरा ये वाला कर दूं बिल्कुल और रिचा मेरे से पूछ रही थी कि लवली आप लोग वहां पर क्या परेड कर रहे थे हमने बिल्कुल वहां पर सैन फ्रांसिस्को सिटी हॉल के बिल्कुल सामने सिविक सेंटर प्लाजा है हमने अपनी मांग हम नारे लगाते हुए उसके चारों तरफ हमने एक चक्कर लगाया कि जितने भी लोग थे शायद उनको भी समझ में आए वहीं पर कुछ स्पेनिश थे जो गिटार बजा रहे थे तो विनेता जी जुड़ी हुई थी उनसे उन्होंने पूछा कि आप किसके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जब उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की फोटो देखी तो उन्होंने बोला कि ओ माय गॉड ही लुक्स सो हैंडसम एंड इट्स सो सैड दैट ही डाइड ही सो यंग एंड वी आल्सो वांट टू प्ले समथिंग फॉर हिम और उन्होंने आकर के उसके लिए कुछ बजाया तो दैट वाज सो नाइस मीन दो वो अपनी भाषा में ही उन्होंने गाया बट दे सेड दैट वी आर प्रेइंग फॉर जस्टिस फॉर हिम बोलिए मैंने हाँ पूजा की मैंने बात की है जैसे ही वो फ्री पड़ते हैं तो हम लोग पूजा करते हैं मैं फिर से उनको पूछ हाँ फिर से उनको लवली जी हाँ श्रेया चूंकि परिमल जी गए हुए टेम्पल तो एक प्रेयर करना चाहती है जरूर, तो उसको दे रही प्लीज प्लीज हाँ श्रेया मैं शंकर भगवान का वो जो है उसके सामने खड़ा रहता हूँ ओके बिल्कुल बिल्कुल परिमल जी विनती सुन लो हे भगवान हम सब बालक है नादान विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास हमें बना लो अपना दास पैदा तुमने किया सभी को रुपया पैसा दिया सभी को हमें सहारा देते रहना खबर हमारी लेते रहना हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं शरण तुम्हारी पड़े हुए हैं बुरे काम से हमें बचाना खूब पढ़ाना खूब लिखाना लोग फिर शीश झुकाते हैं हम विद्या पढ़ने जाते हैं क्या बात है श्रेया कितनी सुंदर कविता कही आपने और आशा जी मुझे ये आशा जी यहाँ से अच्छे से दिखेगा फिर से पूछ रही हैं कि ये मंदिर कहाँ है परिमल जी एक बार फिर से बता दीजिए कि ये मंदिर कहाँ है ये मंदिर नड़ियाद में है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में नियर बाय ही है रेलवे स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है और मंदिर का नाम है माई मंदिर या तो माई माता भी कह सकते हैं बिल्कुल आप इसको श्री माई मंदिर या माई माता मंदिर हाँ. भी कह सकते हैं देखिए कि बहुत ही भव्य बहुत ही अद्भुत मूर्ति है महादेव जी की वहां पर और ये गुजरात में है नड़ियाद डिस्ट्रिक्ट में जी और परिमल जी आज हमें वहां के दर्शन करा रहे हैं कामिनी जी आपको कह रही हैं कि परिमल जी से प्रॉमिस ले लो कि नवरात्रि की जो प्रख्यात आरती हम सभी को लाइव दिखाएंगे वो तो उनको पता है कि यहाँ पर नवरात्रि की ना बहुत ही प्रख्यात आरती है और ऋचा श्रेया ने इतनी सुंदर प्रार्थना की माय गॉड मतलब हम सबको याद रखना चाहिए बचपन में जो बातें हम सीखते हैं वो भूल नहीं जाना चाहिए श्रेया को थैंक अरे मैं जब भी लाइव करती हूँ तो उसको मन करता है कुछ बोलने का तो आज परिमल जी मंदिर में थे तो इससे अच्छा मौका नहीं था हाँ, नहीं, नहीं, बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा लगा हमें थैंक यू और आप इस मंदिर की नक्काशी देख सकते हैं आप इस मंदिर बिल्कुल ये जो फर्स्ट फ्लोर पे जो नहीं ग्राउंड फ्लोर पे जब थे जहाँ पे वो लक्ष्मी पद था तो वहां पे हमने जो देखा या पार्वती पर जो श्री यंत्र जो दिखा रहे थे परिमल जी वहां के जो स्तंभ थे जो खंभे थे वो देखिएगा रवि जी वो मुझे लगता है उसमें नकाशी किया हुआ काफी मोटे थे बिल्कुल और मतलब आप मंदिर का स्ट्रक्चर सोचिए कि इतनी ऊपर तक की जो पूरी बिल्डिंग है आप ऊपर ऊपर जा सकते हैं सीढ़ियों से और सब में ऐसा नहीं है कि वो खोखली है मतलब हर जगह देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं
और सब में, मतलब मुझे मंदिर जाना इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि हमारे जो सभ्यता संस्कृति है हर चीज के साथ कहानी जुड़ी हुई है और हर कहानी में बुराई पर अच्छाई की विजय, यही हम सीखते हैं। हम यही सीखते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हम हिम्मत ना खोएं, तो हम अपनी हिम्मत बनाए रखें। और मैं सबको बता दूं, कल हम थोड़े दुखी हो गए थे, कल सुशीला जी भी हमसे जुड़ी थी, लेकिन हम आज फिर अपने उसी थोड़े से दुख को अपनी हिम्मत बना करके हम लड़ रहे हैं कि और किसी को दुखी ना होना पड़े, शायद हमारे आगे की पीढ़ी को दुखी ना होना पड़े, हमारे आगे की पीढ़ी को जस्टिस के लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़े, आवाज ना उठानी पड़े उनको। जस्टिस हमारा राइट है और कुछ भी हो जस्टिस तो होना ही चाहिए। तो बिल्कुल, राखी जी कह रही हैट्स ऑफ टू यू ऑल। राखी जी हैट्स ऑफ टू यू टू कि आप हमसे जुड़ी हुई हैं और हमें हमेशा हौसला बढ़ाती हैं, हमारा हमेशा हमें हिम्मत दिलाती हैं। बिल्कुल, ऑल ऑफ अस, मैं हर किसी को बोलूंगी। धनंजय जी हैं, ऋचा जी मैं लिंक शेयर करूं क्या कमेंट सेक्शन में, अगर प्लीज, कोई हमें ज्वाइन करना चाहता है तो। जब तक रूपल जी आती हैं हम सबको जोड़ लेते हैं क्योंकि रूपल जी के पास एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। बिल्कुल, अरिन्या जी कह रही है आज सोमवार है, आज शिव जी के दर्शन हो गए, क्या बात है। बिल्कुल परिमल जी, थैंक यू सो मच कि आज सोमवार है और आज आपने हमें शिव जी के दर्शन कराए। तो मैं फिर से सबको याद दिलाऊंगी कि अगर आपने नहीं देखा, हमारे फेसबुक पर SSR वॉरियर पेज पर जा करके आप देख सकते हैं कि कोमल और देविका ने कनाडा में एक मंदिर में हवन कराया था सुशांत सिंह राजपूत के लिए, जो कि देविका और कोमल जी ने लाइव किया और फेसबुक पर है। तो आप सब प्लीज वो देखिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर कॉमेंट कीजिए, उनकी हिम्मत बढ़ाइए। क्योंकि देखिए, दुनिया के कोने कोने से लोग जो भी कर सकते हैं सब कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, और सिर्फ करना जरूरी नहीं है, उसको करके सोशल मीडिया पर डालना भी जरूरी है, लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। क्योंकि इसी तरह हम एजेंसीज हो, गवर्नमेंट हो, CBI हो, NCB हो, ये हमारे नेता हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, उन तक अपनी आवाज हमें पहुंचाना बहुत जरूरी है। हमारे लिए कोई PR काम नहीं करता, हम एक दूसरे के PR हैं।